हेलो मशरूम ग्रोअर्स। तो हम आज बात करने वाले हैं मशरूम ऑयस्टर मशरूम को इस पैरा की कुट्टी में ना उगा के एक अलग ही तरीके से उगाने वाले हैं और उगा के देखने वाले भी हैं। सो हम आज ट्राई करने वाले हैं कार्डबोर्ड यानी कि गत्ता जो होता है, तो आज हम कार्डबोर्ड में मशरूम ग्रो करके ऑयस्टर मशरूम ग्रो करके देखने वाले हैं। और मैंने कार्डबोर्ड को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया है और इसे एक जालीदार बोरे में भर दिया है। और अब ऑयस्टर मशरूम के जो सबस्ट्रेट यानी कि पैरा होते हैं, पैरा को जैसे स्टरलाइज करते हैं, सेम उसी प्रोसेस से हमें इसे भी स्टरलाइज करना है और इसको भी उसी फॉर्मलिन और बेबिस्टीन के सोलूशन में डुबो के रखना है। तो इसकी आगे का प्रोसेस चलिए देखते हैं। तो मेरे पास जितनी भी बोरियाँ थी मैंने इसको सोलूशन में डुबा दिया और उसके ऊपर से कैरेट्स में हैवी लोड रख के इसको दबा दिया ताकि ये ठीक तरीके से डूबा रहे। अन्य सबस्ट्रेट की तरह ही हम इसे भी लेयर स्पॉनिंग कर लेते हैं और एक लेयर कार्डबोर्ड और एक लेयर स्पॉन रखते हुए मैंने इसको लेयर स्पॉनिंग कर ली है और हम इसे एकदम टाइट से बांध देंगे। हमें एक लेना है ऐसे लकड़ी नुकीली या फिर आप पेंसिल यूज़ करो। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि पेंसिल सबसे बेहतरीन होता है, तो या फिर लकड़ी ऐसे ले लो और इसे 20-25 जगह छेद कर दो ताकि इसमें से जो इसको ऑक्सीजन से ये होता है, इसके स्पॉन को ऑक्सीजन से ये होता है माइसिलियम रन होने के लिए और इसे ग्रो होने के लिए इससे ऑक्सीजन मिलता रहे। हालांकि मैंने पुरानी पॉलीथीन यूज़ की है जो पिछले साल मैंने की थी, इसीलिए मेरे में ऑलरेडी छेद है, आप देख सकते हो। और मशरूम फार्मिंग के विषय में अगर आपके मन में अगर कुछ सवाल चल रहे हों, कुछ क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। तो हम चलो इसको अब रख देते हैं इनोकुलेशन रूम में जहाँ कि हमारा माइसिलियम रन होगा, उसके बाद फ्रूटिंग होगा। तो दोस्तों आज है 13 फरवरी और जस्ट पीछे तक जो आपने वीडियो देखा मैंने वो रिकॉर्ड किया था 9 जनवरी को और आज 13 फरवरी है। तो लगभग 1 महीने 4 दिन या फिर 5 दिन ऐसे कुछ हो गए हैं और हमारे जो कार्डबोर्ड में मैंने मशरूम लगाए थे वो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा रहा, ठीक ठाक ही रहा, बहुत अच्छा नहीं रहा, ठीक ठाक ही रहा। मैं इसे कहना चाहूँगा जिसके पास अवेलेबल हो ज़्यादा मात्रा में वो इसमें भी कर सकता है। और चलिए हम देख लेते हैं जो हमने लगाया था वो मशरूम कैसा ग्रो हुआ है, कैसा उसमें प्रोडक्शन आया है। तो जो मैंने कार्डबोर्ड में लगाया था वो ये रहा मशरूम और इसके जो है कार्डबोर्ड के सबस्ट्रेट के मुकाबले ठीक ठाक ही इसमें जो है फ्रूटिंग हुई है। और हालांकि ये पुआल में जो हुई है ये इससे और जो मैंने केले में करी थी उससे ये लगभग 5 से 6 दिन जितना लेट है और इसमें माइसिलियम का ग्रो थोड़ा स्लो हुआ था इसलिए ये लगभग 6 से 7 दिन जितना लेट है उससे केले और पुआल के कुट्टी के मुकाबले। तो मैं बस इस वीडियो में यही कहना चाहूँगा कि अगर जिसके पास ये कार्डबोर्ड अवेलेबल है जो आप देख सकते हो कार्डबोर्ड इधर है और इसमें बढ़िया से माइसिलियम ग्रो हुआ है और जिसके पास ये अवेलेबल हो वो कर सकता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और इसमें भी वही होगा कि आपका जो वेस्ट होता है, हालांकि कार्डबोर्ड जो है ये किलो के हिसाब से बिक जाता है, फिर भी जिसके पास और कोई सबस्ट्रेट ना हो जैसे पुआल हो गया, कुट्टी हो गया और जो है केले का पत्ता हो गया, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें भी मशरूम की खेती कर सकते हो। और दोस्तों मशरूम की खेती जो है केले में और गेहूं के भूसे में, पुआल के कुट्टी में, इसके अलावा आप जो सरसों होता है, सरसों के जो डंठल होते हैं सरसों के डंठल में कर सकते हो और गन्ने की खोई जो होती है गन्ने की खोई में कर सकते हो,
जब गन्ना रस निकाल लिया जाता है, बाद में जो बचा है उस सबस्ट्रेट में भी आप वेस्टर्न मशरूम की खेती बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, मैं जानना चाहूँगा कि आप मेरा वीडियो किस जगह से देख रहे हो और आपकी जगह पे सबसे ज़्यादा सबस्ट्रेट के तौर पे क्या अवेलेबल है, ये भी प्लीज़ अगर आप कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा और मैं जान सकूँगा कि उसमें होगा या नहीं। मेरे यहाँ तो सबसे ज़्यादा ये पुआल की कुट्टी अवेलेबल रहती है और धान का गेहूँ का भूस रहता है। तो आपके यहाँ सबसे ज़्यादा सबस्ट्रेट के तौर पे क्या अवेलेबल रहता है जो फेंक दिया जाता है, जिसे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताएं। और हाँ, इसी इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो का एंड ही करते हैं और रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।